आज सुबह की शुरुआत मेरे तो प्यारे सब्सक्राइबर्स द्वारा मेरे घर पर दस्तक देकर की जाती है कि तभी बिना पंखों की परी और इस सस्ता ब्रेड पे अपने घर से मेरे लिए मिठाइयां चुरा कर लाते हैं और इस खाली काम में अपना इनोवेटिव समय बर्बाद करके मैं ठीक ठाक बंदा और ठेस बुद्धि का इंतजार कर रहा होता हूं। अच्छी बात है कि ये दोनों समय पर आ जाते हैं। वैसे मैंने इन्हें बुलाया क्यों था, क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं थी, मतलब बाइक नहीं थी और मेरा एक पार्सल आया हुआ था मेरे गांव की पोस्ट ऑफिस में। तो अपना पार्सल उठाकर और घर पहुंचकर प्लस ठीक ठाक बंदे को उसकी कॉलेज के लिए रवाना कर मैं झटपट अपने पार्सल का वस्त्र हरण करता हूं और देखता हूं कि इसमें दीपावली की भेंट आई है, कैडबरी चॉकलेट्स का डिब्बा। मगर डिब्बे की खुशबू सुनकर ठीक ठाक बंदा अपनी कॉलेज से उल्टे पांव लौट आता है। क्या करूं, अब चॉकलेट्स तो नहीं भी देनी पड़ेगी। एक चॉकलेट माता जी के नाम। फिर ठेस बुद्धि मेरे घर पर पड़ी हुई अपनी एक्स्ट्रा चप्पलों को उठाकर रफू चक्कर हो जाता है। चॉकलेट्स को बांटने का सिलसिला जारी रहता है और द हेल्पिंग रोमर्स को मद्देनजर रखते हुए पुनिया और पिताजी बहुत सारा सामान खरीद कर लाते हैं। और तभी अपने हरेश भैया और समय दो अन्य भैयाओं से बहुत सारी बातें होती हैं। और जैसा कि सर्दियां नजदीक आ गई तो सूरज देवता को छुपने की बहुत जल्दी पड़ती है। अब चाय का शौकीन नहीं फिर भी चाय बना रहा हूं, क्योंकि अच्छी चाय बनाने की तारीफ का दुख लेकर इस काम की मुझे जबरदस्त आदत पड़ गई है। आदत नहीं, मजबूरी कह सकते हैं। और अपने दिमागी संतुलन खोने की वजह से मैं जल्दी स्लीप मोड में चला जाता हूं।